वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। NPCIL मैप्स मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन का तरफ से स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 2 फिटर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसका रिटन एग्जामिनेशन 30 जून 2024 कंडक्ट हुआ है। काफी लेट हो गया इसका पेपर एनालिसिस करने में, बहुत सारा स्टूडेंट फिर भी इंतजार करते हैं मेरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर का सलूशन देखने के लिए, क्योंकि देखिए इस पेपर से उन सभी स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है जो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करके आए हैं। इससे आपको अप्रोक्स आइडिया मिल जाता है कि कितना मार्क्स आपको लगभग मिलने वाला है। इसका आंसर की तो आपको देखने को नहीं मिलता है, मेरा पेपर से आपको लगभग पता चल जाता है। और जैसे अभी NPCIL नरोड़ा का रिक्रूटमेंट आया है, उसमें भी बहुत कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी काफी हेल्प मिल जाता है इन सब पेपर का वीडियो देख के। तो इसीलिए अगर आप NPCIL नरोड़ा में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा और उधर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल प्लेलिस्ट और एडवांस एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट है, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लगभग 55 वीडियो है और एडवांस एग्जाम में भी काफी सारा वीडियो है, इसको आप जरूर देख के जाइएगा। क्योंकि इस इन दो प्लेलिस्ट में NPCIL BARC HWB NFC इन सभी डिपार्टमेंट ECIL इन सभी डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का आपको ऑथेंटिक डिस्कशन मिल जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक सिंपल क्वेश्चन, पेपर ज्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था। देखिए, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एनी लुब्रिकेंट इज, किसी भी स्नेहक का मुख्य गुण क्या होता है, तो मेन प्रॉपर्टी होता है उसका विस्कोसिटी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, प्लग गेज इज यूज टू, प्लग गेज किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी आपका सिलिंड्रिकल होल है तो उसके इंटरनल डाया का जब चेक करना पड़ेगा, इंटरनल डाया चेक करने के लिए प्लग गेज यूज होता है। और गेज किस मटेरियल से बनता है, गेज बनता है एलॉय स्टील से, और गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है या चेकिंग टूल है। जो प्लग गेज होता है इसका गो साइड, प्लग गेज का गो साइड मिनिमम साइज ऑफ जॉब को चेक करता है, और प्लग गेज का जो नो गो एंड होता है वो मैक्सिमम साइज ऑफ जॉब को चेक करता है। रिंग गेज के लिए इसका ऑपोजिट होता है, जब भी कोई आपका सिलिंड्रिकल सेफ्ट होता है तो सेफ्ट का आउटर डाया को जब चेक करना होता है तो रिंग गेज यूज होता है। रिंग गेज का जो गो एंड होता है वो मैक्सिमम साइज ऑफ जॉब को चेक करता है, और उसके जो नो गो एंड होता है उसमें मिनिमम साइज ऑफ जॉब को चेक करता है। थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आपका रीडिंग बार बार सेम दिखाता है, सेम बार बार रीडिंग दिखा रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रिसिजन कहते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत पहले मैं एक सीरीज में कंप्लीट कर दिया हूं, वो है मेरा 2000 MCQ का सीरीज में, उसमें 1300 क्वेश्चन डिस्कशन हो गया, बाकी 700 क्वेश्चन है, इसको भी जब टाइम मिलेगा मैं जरूर स्टार्ट करूंगा। बहुत सारा स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है इसको स्टार्ट करने का, लेकिन मैं अभी पेड कोर्स रिकॉर्डिंग करने में बिजी हूं, इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन मैं ये सोचा हूं कि जैसे मैं 2000 MCQ का एक क्लास पोस्ट करता हूं तो दो महीना बाद और एक क्लास पोस्ट करता है, ऐसा नहीं है, मैं पहले रिकॉर्ड कर लूंगा उसके बाद एक एक करके सब पोस्ट करूंगा, तो थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा। तो इसमें जो 1300 क्वेश्चन है, 1300 क्वेश्चन में टेक्निकल का निचोड़ डिस्कशन किया गया, आपको टेक्निकल का बहुत सारा चीज जानने को मिलेगा। इसमें मैंने समझाया था प्रिसिजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है। प्रिसिजन मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बार बार सेम रिपीट करके अगर आपको सेम रीडिंग देता है वो आपका होता है प्रिसिजन, और एक्यूरेसी होता है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो अगर आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो अगर ट्रू वैल्यू का बहुत क्लोज होता है, नजदीक होता है, वो होता है
वो आपका एक्यूरेसी होता है, मतलब द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू का जितना क्लोज होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, और जितना ट्रू वैल्यू से दूर रहेगा मतलब उतना ज्यादा इनएक्यूरेट है। ओके, तो जब भी आपको ऐसा शब्द मिलेगा द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू, तो जब ट्रू वैल्यू का बहुत नजदीक वाला रीडिंग आपको मिल रहा है मतलब वो आपका एक्यूरेट रीडिंग हो रहा है। ओके, तो अगर आप टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इन सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में इस सीरीज मिल जाएगा। व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर लेड बेड, लेड बेड जिसमें काफी ज्यादा कंप्रेसिव लोड पड़ता है और उसको रेजिस्ट करने के लिए, सहन करने के लिए हम लोग कास्ट आयरन मटेरियल का यूज करते हैं लेड बेड को बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कास्ट आयरन कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकते हैं, बट इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल लोड, ये आपका लो होता है, मतलब कास्ट आयरन का टेंसाइल लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, और आप बोल सकते हैं ऑपोजिटली कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होता है। इन ब्रेजिंग फिलर मेटल फ्लो इन स्मॉल क्लियरेंस बाय, देखो जब भी हम लोग ब्रेजिंग, जिससे हम लोग ब्रेज वेल्डिंग कहते हैं, दो सीट मेटल को ऐसे जोड़ना है और इन दोनों सीट मेटल के बीच में बहुत हल्का गैप रहता है, बहुत कम गैप रहता है, तो ये जो आपका गैप रहता है, गैप में फिलर मेटल जाके पूरा गैप को फिल करता है, और ये किस एक्शन से होता है, ये आपका कैपिलरी एक्शन से होता है। ओके, इसे कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी अगर आपका ऐसा कोई ग्लास कंटेनर है, इधर इतना तक आपका पानी है, ग्लास कंटेनर का इतना तक पानी है, ठीक है, इसमें अगर एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब को अगर आप इसमें डुबाते हैं तो इसमें पानी कहां तक आएगा, इधर तक नहीं होगा, इसमें और थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा, तो इतना तक कैसे फ्लो हुआ, इतना एक्स्ट्रा तक कैसे फ्लो हुआ, क्योंकि पानी तो आपका इधर तक है, तो इधर तक पानी कैसा आ गया ट्यूब में, वो कैपिलरी एक्शन से हो जाता है। कैपिलरी एक्शन से क्या होता है कि जो स्मॉल गैप होता है उससे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो इसमें भी सेम टू सेम, जब ब्रेजिंग होता है दो सीट मेटल के बीच में जो स्मॉल क्लियरेंस रहता है उसी का बीच से फ्लो होने का कोशिश करता है, ये कैपिलरी एक्शन से होता है। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन किस लिए यूज किया जाता है, जब भी आपको किसी भी वर्कपीस का फ्लैट सरफेस विथ स्मूथनेस का साथ बनाना है, प्रोड्यूसिंग ए स्मूथ फिनिश ऑन फ्लैट सरफेस, सपाट सतह पर जब आपको स्मूथ फिनिश रेडी करना पड़ेगा तब सरफेस ग्राइंडिंग मशीन यूज होता है। 1 angstrom = 10 meter, तो 1 angstrom = 10^-10 meter। देखिए काउंटर बोरिंग इज डन फॉर, काउंटर बोरिंग किस लिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि उसमें सॉकेट हेड स्क्रू और कैप स्क्रू को वो सहायता कर सके या उसको स्थान दे सके। देखिए ये आपका किसी भी वर्कपीस है, वर्कपीस में पहले से होल है, ठीक है, और इसका फ्रंट पोर्शन में हम लोग काउंटर बोर टूल से काउंटर बोरिंग कर देते हैं, इससे क्या होता है जो भी सॉकेट हेड स्क्रू है या कैप स्क्रू है ये जगह में बैठ जाता है, तो जो भी सॉकेट हेड स्क्रू है इसका ये सरफेस का ऊपर उसके हेड दिखाई नहीं देता है, ये इसका गैप में स्लॉट में जाके बैठ जाता है और ये बैठाने के लिए काउंटर बोरिंग किया जाता है। व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग प्रोवाइड्स इस सॉफ्ट स्टार्ट, मतलब किस टाइप ऑफ कपलिंग से सॉफ्ट स्टार्ट मिलता है, तो ये आपका फ्लूइड कपलिंग हो जाएगा। देखो फ्लूइड कपलिंग या कपलिंग और क्लच से सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए यूट्यूब पर फ्री वीडियो है, आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें हर तरह का कपलिंग और क्लच का बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ट्रामेल इज यूज्ड फॉर, ट्रामेल किस लिए यूज किया जाता है, जब आपको लार्ज डायमीटर सर्किल या आर्क आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तो तब ट्रामेल यूज किया जाता है। ओके, और इससे मैक्सिमम 1800 मिलीमीटर डायमीटर वाले सर्किल या आर्क को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि 1000 मिलीमीटर मैक्सिमम, लेकिन एक क्वेश्चन इसरो में पूछा गया तो इसरो में इसका राइट आंसर माना था 1800 मिलीमीटर, मतलब अगर 1800 मिलीमीटर डाया सर्किल अगर आपको बनाना है तो ट्रेमल या बीम कॉम्पस से आप बना सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन,
इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन सी इंडिकेट्स, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में सी क्या इंडिकेट करता है, सी इंडिकेट करता है सिलिकॉन कार्बाइड को और ए इंडिकेट करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। व्हाट डिस्टेंस मूव्ड इन बैडल इफ थिम्बल रोटेट्स इट्स फुल सर्किल। देखो ये होता है बैरल, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये बैरल, ये आपका थिम्बल, ठीक है। तो थिम्बल का एक चक्कर में बैरल का कितना डिस्टेंस मूव होता है, बैरल का 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस मूव होता है, जिसे कहते हैं पिच ऑफ माइक्रोमीटर, एमएम या माइक्रोमीटर जिसको आप बोलते हैं, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। व्हिच टैपर इज अवेलेबल इन लेद टेलस्टॉक बैरल, लेद टेलस्टॉक बैरल में कौन सा टैपर होता है, मोड टैपर होता है जिसका इंक्लूडेड एंगल होता है 3 डिग्री। गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगर मेरा क्लास कोई भी स्टूडेंट नॉर्मल यूट्यूब से देखे हैं, वो स्टूडेंट आराम से इन सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। गन मेटल एलॉय होता है कॉपर, टीन और जिंक। इसमें कॉपर रहता है 88%, टीन रहता है 8-10% और जिंक रहता है 2-4%। फिलर गेज इज यूज टू, जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी दो मिलने वाला पार्ट है इसका बीच में गैप को चेक करना पड़ेगा तो फिलर गेज यूज होगा। मोनेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, मोनेल मेटल किसका मिश्र धातु है, कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। द सीट कोटेड विद जिंक इज कॉल्ड एज, किसी भी आयरन सीट को जब भी हम लोग जिंक से कोटिंग कर देते हैं उसे गैल्वनाइज सीट कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ सीट मेटल एंड वायर्स इज इंडिकेटेड बाय सीरीज ऑफ नंबर्स व्हिच इज कॉल्ड एज। देखो किसी भी सीट मेटल का थिकनेस या वायर का थिकनेस को मेजर करने के लिए हम लोग एक क्या बोला है, हम लोग एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसमें सीरीज ऑफ नंबर रहता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसमें 0 से 36 तक रेंज होता है। कुछ कुछ बुक्स में 0 to 40 रेंज भी दिया है। जीरो में इसका डायमीटर, सीट का डायमीटर या वायर का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, 36 में सबसे कम होता है। बायलेटरल टॉलरेंस इज फिक्स्ड, देखो बायलेटरल टॉलरेंस जो होता है ये इसके बेसिक साइज या जीरो लाइन जिसे हम लोग कहते हैं, इसको अपर और लोअर दोनों साइड में होता है, इसीलिए बोला ऑन बोथ साइड अपर एंड लोअर ऑफ द बेसिक साइज, मतलब बेसिक साइज का दोनों साइड में होता है, अपर में भी होता है लोअर में भी होता है। बट अगर यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है तो बेसिक साइज का किसी एक ही साइड में रहेगा, अगर अपर साइड में रहेगा तो अपर साइड में, अगर लोअर साइड में रहना है तो लोअर साइड में, ओके। व्हिच कूलेंट इज प्रेफर्ड फॉर मैशनिंग ऑफ एल्यूमिनियम जॉब, किसी भी एल्यूमिनियम जॉब का मैशनिंग करते टाइम किस कूलेंट का यूज किया जाता है, मिट्टी का तेल यूज किया जाता है, केरोसिन ऑयल। उड्रप की इज यूज्ड फॉर, उड्रप की जिसका शेप होता है इस सेगमेंट ऑफ सर्किल, इस सेगमेंट ऑफ ए सर्किल या कभी कभी सेमी सर्किल भी दिया जाता है, ठीक है। जब भी आपका किसी भी शाफ्ट का टेपर्ड फिटिंग करना पड़ेगा वहां पर उड्रप की का यूज किया जाता है। इन ए पेयर ऑफ गियर द अमाउंट क्लियरेंस बिटवीन मेटेड गियर टीथ इज कॉल्ड, देखो ये आपका गियर है, ठीक है। ऐसे दो गियर जब मैच होता है ना तो इसका बीच में जो क्लियरेंस रहता है, स्मॉल क्लियरेंस रहता है, इससे कहते हैं बैकलास, ओके। द एबिलिटी ऑफ द मेटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस, रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज, मतलब धातु का वो कौन सा गुण है जिसके कारण वो बिना टूट के उस स्ट्रेस को सहन कर सकते हैं, मतलब उसमें बेंड भी नहीं होता, उसमें क्रैक भी नहीं आता, वो शॉक इंपैक्ट को सहन कर सकता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है टफनेस, जो टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से टफनेस को इंड्यूस किया जाता है। द टिप ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज जॉइंट ऑन द सैंक बाय, देखो ये आपको
आपको जब सीमेंटेड कार्बाइड टूल यूज करना पड़ेगा, तो इसमें आपको पूरा टूल सीमेंटेड कार्बाइड का नहीं बनाना है, आपको टूल को किसी दूसरा धातु से आप बना सकते हैं। सोचिए हाई स्पीड स्टील से बना ली है, ओके। और इसका टिप पोर्शन में सिर्फ हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड का टिप यूज करते हैं। तो सीमेंटेड कार्बाइड टिप को हम लोग सैंक में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रेजिंग करके ज्वाइन कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ निकेल इज प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो इसमें बोला है कि स्टेनलेस स्टील में निकेल का परसेंटेज प्रतिशत कितना होता है। तो देखो एक आपका होता है 18:8, तो इसमें क्रोमियम और 8% आपका क्या रहता है, निकेल रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8-10% निकेल रहता है। ऑप्शन का हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। व्हिच थ्रेड इज अवेलेबल इन ए लीड स्क्रू ऑफ लेद मशीन, लेद मशीन का लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड होता है। एक्मे थ्रेड होता है जो एक ट्रेपीजोइडल थ्रेड का एग्जाम्पल है। इसका एंगल होता है 29 डिग्री। इसका एंगल से भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। व्हाट इज द हेरिंगबोन गियर, हेरिंगबोन गियर का क्या है। जब आप हेलिकल गियर, दो दो हेलिकल गियर को एक साथ आप अटैच करके पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो वो आपका हो जाता है हेरिंगबोन गियर। जनरली ऑटोमोबाइल पर्पस में यूज किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील, किसी भी स्टील का नॉर्मलाइजिंग करने का पीछे उद्देश्य क्या होता है। स्टील का नॉर्मलाइजिंग करना मतलब क्या होता है, उसको नॉर्मल बनाना, उसके अंदर जो भी स्ट्रेसेस है उसको निकाल देना, तो रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस, उसके अंदर वाला जो स्ट्रेस है उसको निकालना, ठीक है। देखो किसी भी आदमी के अंदर अगर ज्यादा स्ट्रेस होता है, वो बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, तो उसको खुश नहीं दिखाई देगा। तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए उसका स्ट्रेस क्या है, उसका परेशानियां क्या है, सबसे पहले वो जानना है। उसको अगर हम निकाल देते हैं तो वो आदमी भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस हम लोग यही करते हैं। फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है N1 T1 = N2 T2। N1 मतलब होता है ये आपका होता है RPM ऑफ ड्राइवर गियर, और T1 मतलब होता है टीथ ऑफ ड्राइवर गियर, RPM ऑफ ड्रिवन गियर और टीथ ऑफ ड्रिवन गियर। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी ग्रुप इन वी ब्लॉक, वी ब्लॉक का वी ग्रुप का एंगल होता है 90 डिग्री। व्हिच गैस कम्स आउट फ्रॉम द सेंट्रल होल ऑफ कटिंग ब्लो पाइप एंड व्हाई। देखो जो कटिंग ब्लो पाइप होता है, ऑक्सी एसिटिलीन जब हम लोग कटिंग करते हैं, तो उसके ब्लो पाइप के अगर टिप पोर्शन को आप देखते हैं, तो उसका सेंट्रल में एक होल होता है और उसका चार पास में भी होल होता है। इस सेंट्रल होल से कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है, प्योर ऑक्सीजन, और इसका सिर्फ काम होता है कटिंग करना। और इसका चार पास में जो होल होता है, इससे ऑक्सी एसिटिलीन दोनों निकलता है, प्रीहीटिंग के लिए काम आता है, मेटल का प्रीहीटिंग करने के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड इज आल्सो नोन एज, स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड को BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड कहते हैं, जिसका एंगल होता है 55 डिग्री। व्हिच मेटल इज मैसिड विदाउट यूजिंग ऑफ कूलेंट, मतलब कौन से धातु को बिना कूलेंट यूज करके मैसिडिंग कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। देखो सिंपल सब क्वेश्चन है, नेम द आर्टिफिशियल एब्रेसिव, आर्टिफिशियल एब्रेसिव दो ही होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन में सिलिकॉन कार्बाइड था। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड, एक्मी थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल होता है 29 डिग्री। 36 नंबर क्वेश्चन, मैकेनिकल सील इज यूज फॉर, मैकेनिकल सील किस लिए यूज किया जाता है, जहां पर भी लीकेज होता है वो लीकेज को बंद करने के लिए। देखो व्हिच वाल्व इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कौन से वाल्व यूज होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ग्लोब वाल्व। बहुत सारा स्टूडेंट इसका राइट आंसर गेट वाल्व करके आया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पानी का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, मैंने बार बार आप लोगों को कहा हूं कि पानी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए कितना कम कितना ज्यादा ये करने के लिए हम लोग ग्लोब वाल्व का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाइल ब्रेजिंग ऑफ एल्यूमिनियम वर्क पीसेस वी शुड नॉट यूज ब्रास एज फिलर मेटल बिकॉज, जब दो एल्यूमिनियम सीट को ब्रिजिंग करके जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें फिलर मेटल के तौर पर ब्रास यूज नहीं करना है। क्यों, इसका पीछे क्या कारण होता है। तो देखो ब्रिजिंग में हम लोग जो फिलर मेटल यूज करते हैं उसका नाम है स्पेल्टर,
जिसमें आपका रहता है कॉपर प्लस जिंक, और कॉपर प्लस जिंक को हम लोग कहते हैं ब्रास। ठीक है, इसीलिए बोला जब भी किसी भी दो एल्यूमिनियम शीट मेटल को ब्रिजिंग करके जोड़ना है उसमें फिलर मेटल ब्रास यूज नहीं होता है, क्योंकि देखो अगर इन दो सीट को जोड़ना है, दो सीट को जोड़ने के लिए दो सीट को तो पिघलाना नहीं है, सिर्फ फिलर मेटल को पिघलाना है। फिलर मेटल पिघला के क्या होगा, इसका बीच में जो गैप है वो कैपिलरी एक्शन से पूरा गैप फिल हो जाएगा और दोनों बेस मेटल एल्यूमिनियम बेस मेटल को जोड़ता है। तो इसमें देखो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 659 डिग्री सेंटीग्रेड या 660 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग फिलर मेटल का यूज करते हैं, फिलर मेटल में एक्चुअली क्या कंडीशन होता है, ब्रेजिंग के टाइम, ब्रेजिंग के टाइम जो फिलर मेटल होता है, फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री अबव होना पड़ेगा बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मेटल, मतलब जो फिलर मेटल हम लोग यूज करने वाले हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन जो बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होगा। क्यों होता है, क्योंकि बेस मेटल को पिघलाने नहीं है। देखो इधर एल्यूमिनियम बेस मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 659 से 660 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फिलर मेटल हम लोग ब्रास यूज करते हैं उसके ब्रास के मेल्टिंग पॉइंट होता है 930 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 930 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें देखो फिलर मेटल को जब तक पिघलाना कंप्लीट होगा या फिलर मेटल जब तक पिघलेगा बेस मेटल कब का पिघल के लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 660 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसीलिए एल्यूमिनियम वर्कपीस को जब भी जोड़ना है फिलर मेटल के रूप में ब्रास कभी भी यूज नहीं करना है, इसीलिए बोला था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन ब्रास। 39 नंबर क्वेश्चन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर रिमूव्ड फ्रॉम आयरन बाय। देखो जब हम लोग पीग आयरन से कास्ट आयरन करते हैं तो उसमें काफी सारा इंप्योरिटीज होता है, जैसे सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर, फॉस्फोरस, इन सब चीज को निकालने के लिए हम लोग क्या चीज ऐड करते हैं, इसमें हम लोग फ्लक्स ऐड करते हैं, फ्लक्स के रूप में हम लोग लाइमस्टोन यूज करते हैं इधर, तो इधर आपका हो जाएगा बाय एडिंग फ्लक्स। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कोटिंग इज यूज्ड इन हॉट डिप इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड, मतलब हॉट डिप इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में किसका कोटिंग होता है, गैल्वनाइजिंग होता है, और एक्चुअली गैल्वनाइज को हॉट डिपिंग भी कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मेटल रेजिस्ट एक्स रे एंड गामा रे। तो देखो एक्स रे गामा रे का रेडिएशन कौन सा मेटल प्रतिरोध कर सकता है, तो लेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेट वाल्व इज यूज्ड इन, गेट वाल्व कहां पे यूज किया जाता है, जहां पे आपका दो पाइप स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन में गेट वाल्व को यूज किया जाता है। गेट वाल्व को गेट वाल्व से आप कभी भी पानी का फ्लो को नियंत्रित नहीं कर सकते, इससे सिर्फ आप क्लोज कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। ओके, आप कम ज्यादा नहीं कर सकते कि हम फ्लो को थोड़ा कम चाहिए, फ्लो को थोड़ा ज्यादा चाहिए, ये सब गेट वाल्व से नहीं होता है और इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में यूज करते हैं। देखो टेक्निकल का 42 क्वेश्चन हम कलेक्ट कर पाए हैं लेकिन इसके साथ और 5 क्वेश्चन है जो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है, आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। उज्ज्वला योजना इज प्रोवाइडिंग, तो उज्ज्वला योजना किस लिए प्रोवाइड, मतलब इससे क्या दिया जाता है आम नागरिक को, तो इसमें एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस सिलेंडर आपको दिया जाता है। बिगेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, 35 इयर्स। यूपीआई के फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। द नेम ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल ऑफ चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग व्हीकल का नाम था AVM3M4। ओके, इतने ही क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूं, कुछ ही स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिया है उसमें से भी कुछ स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट ने हमको इतने क्वेश्चंस भेजा है। अगर
जैसे बाकी डीआरडीओ इसरो का जैसा बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें काफी सारा कैंडिडेट योगदान करते हैं, उसमें काफी सारा स्टूडेंट क्वेश्चंस भी हमें भेजता है, बट इसमें सिर्फ 2-3 स्टूडेंट ही क्वेश्चन भेजा था, उसी का बेस पे इतने ही मैं तैयार कर पाया हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और देखिए ऐसे आपको एनपीसीएल का तैयारी करने के लिए मेरा चैनल का साथ आपको जुड़े रहना है, काफी सारा अपडेट आपको मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस वीडियो भी आपको मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।